वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वॉल ज्ञान का पिटारा एंड आल्सो विजिट माय यूट्यूब चैनल रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आया हूं मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन एपी इज 63q माइनस 3q स्क्वायर एंड इफ फिफ्थ टर्म इज माइनस 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी And also find the 11th term of this AP। दोस्तों, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, दैट मीन्स आपको एस क्यू दिया हुआ है 63q माइनस 3q स्क्वायर। और आपको यहां पर पहले और एक और चीज देखिए, ए पी टर्म इज 60, मतलब आपको ये दिया हुआ है एपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑल्सो फाइंड 11th टर्म, तो आपको ए 11th निकालना है, ये आपको फाइंड करना है ए 11। दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं एस क्यू, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ क्यू टर्म्स। एस क्यू इज इक्वल टू आपको गिवन है 63q माइनस 3q स्क्वायर। देखो, यहाँ पर अपने को दिया हुआ सम ऑफ क्यू टर्म्स, दैट मीन आपको सम ऑफ क्यू टर्म्स में जब आप वैल्यू पुट करोगे क्यू इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सम ऑफ वन टर्म्स। और सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब होता है ओनली वन टर्म्स, तो अपन यहां पर रखते हैं क्यू की जगह 1, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर मिलेगा एस की जगह, क्यू की जगह अपन 1 रखा तो मुझे मिला एस 1, तो यहां पर रखा 63 × 1 माइनस 3 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये मिला 63 माइनस 3, तो अपना एस 1 जो है वो हो जाएगा एस 1, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और ये अपना ए वन भी होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम ए वन ही होगा, और ये अपने को मिलेगा 60, तो अपना एस वन आ चुका है, एस वन या ए वन जो है अपना आ चुका है 60। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यू इक्वल टू 2 की। जब मैं क्यू इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है एस क्यू और एस टू, और एस टू मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ सम ऑफ टू टर्म्स, दैट मीन्स अपना होता है ए वन प्लस ए टू, तो क्यू की जगह मुझे 2 पुट करना है यहाँ पर, तो आप देखिए 63 × 2 माइनस 3 × 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू 126 माइनस 12, डेट मीन्स जब माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा फाइनली ए वन प्लस ए टू 114, और ये अपना ए वन प्लस ए टू आ चुका है, और मुझे चाहिए यहाँ पर ए टू क्योंकि मुझे ए वन पता है 60 है, तो अगर मैं यहाँ पे ए वन की वैल्यू रखता हूँ 60, तो 60 प्लस ए टू इज इक्वल टू अपने को गिवन है 114, तो अपना ए टू यहाँ से आ जाएगा 114 माइनस 60, और जब इसका आंसर आएगा दोस्तों तो 4 एज इट इज 11 माइनस 6 आएगा दोस्तों 54, और ये अपना ए टू आ चुका है 54। अब अपने को निकालना है सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो मतलब एस थ्री निकालना है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ क्यू इक्वल टू 3, तो यह आ जाएगा एस थ्री, और एस थ्री को मैं रखूंगा क्यू की जगह 1, क्यू की जगह मुझे इस बार 3 रखना है क्योंकि मुझे एस थ्री निकालना है, तो 63 × 3 माइनस 3 × 3 स्क्वायर, तो दोस्तों यह बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 3 = 9 एंड 3 × 6 = 18, तो हो जाएगा 189 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 3 होता है 27, तो दोस्तों अपने पास आएगा एस थ्री 9 − 7 होता है 2 एंड 18 − 2 होता है 16, तो ये आ चुका अपने पास 162, और एस थ्री मीनिंग होता है सम ऑफ थर्ड, सम ऑफ थ्री टर्म्स, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 162, तो दोस्तों अपने पास ए वन प्लस ए टू आ चुका है 114, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ ए वन प्लस ए टू की, तो इस प्रकार अपने पास ए थ्री आ जाएगा यहाँ से, तो ए थ्री अपना आएगा ए थ्री इक्वल टू 162 माइनस 114, दैट मीन्स 2 − 4 आएगा दोस्तों 8, 12 − 4 हो जाएगा 8, ये बचेगा 5, 5 − 1 आ जाएगा 4, और ये बचेगा 1 − 1 = 0, तो ए थ्री आ गया अपना 48, इस प्रकार अपने को ए थ्री मिल गया है 48। तो दोस्तों अपने पास अपने को एपी बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म फाइंड करनी है, तो अपनी एपी बन चुकी है ए वन 60, नाउ एपी
बिकम अपना ए वन है दोस्तों 60, तो अपनी ए पी बन गई 60, ए टू अपना 54 और अपना ए थ्री आ चुका है 48, ये अपनी एपी बन चुकी है। और आपको क्वेश्चन में अब गिवन है एपी इज पीथ नम ऑफ एपी इज इक्वल टू माइनस 60, तो एपी का फॉर्मूला अपने पास ये होता है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इस पीथ नम की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस ऑफ 60, डेट मीन्स अगर यहाँ रख दूँ मैं इसकी जगह वैल्यूज को माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू, इसका ए जो है दोस्तों वो है अपने पास 60 प्लस पी जो है वो अपने को फाइंड करना है, और डी इसका आएगा दोस्तों 54, ए टू माइनस ए वन अपना डी होता है, डी होता है ए टू माइनस ए वन, डेट मीन्स डी अपना आएगा 54 माइनस ऑफ 60, तो अपना डी आ चुका है यहाँ से माइनस ऑफ 6, तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को माइनस ऑफ 6, तो दोस्तों ये इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू पी माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 6, जब मैं इसको ये अपना माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो चुका है, तो दोस्तों अपने पास पी माइनस 1 इक्वल टू बचेगा 120 डिवाइड बाय 6, तो 6 टू सा 12, डेट मीन्स 20 टाइम में जाएगा, तो यहाँ से पी जो आएगा अपना फाइनली पी आ गया 20 प्लस 1 पी इज इक्वल टू 11, तो पी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 11। अब अपने को फाइंड करना है ए 11 टर्म, तो ए 11 दैट मीन्स होगा दोस्तों ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 11 अपने पास आएगा, ए अपना यहाँ पर फर्स्ट टर्म आई थी, ए की वैल्यू अपने पास है 60 प्लस 11 माइनस 1 होता है 10 इंटू डी अपना है माइनस 6, तो दोस्तों अपना ए 11 जो है वो आया 60 माइनस 60 दैट मीन्स 0, तो अपना ए 11 का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स वो आया है ए 11 इक्वल टू 0, और ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ये अपना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज वॉच माई वीडियोज एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट फॉर वीडियोज, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है।